बीजेपी की सांसद निरंजन ज्योति सिंह मौजूद हैं। मैम गाजियाबाद आज पहुंची हैं, क्या था, क्या मामला था, क्यों? नहीं, मैं तो आज नहीं कल जी से हूँ यहाँ। मैं कथा कर रही हूँ, कृष्ण कथा राम कथा सत्संग का आयोजन हिमांशु जी ने आयोजित किया है, जिसमें मैं कथा स्वयं कर रही हूँ। और मैं इतना मानती हूँ कि यह तो विधन श्रेय सिद्धि, जो यहाँ उन्नति करता है वही पारलौकिक उन्नति कर सकता है। और पारलौकिक उन्नति के लिए आध्यात्मिक का ही एक रास्ता है जहाँ से हम पारलौकिक उन्नति कर सकते हैं। मैम राम मंदिर का अब जो है निर्माण हो रहा है लगातार, उसमें जो है अब प्रधानमंत्री को बुलाने पर विपक्ष ने निशाना साध दिया कि इसको बुलाने की क्या जरूरत है प्रधानमंत्री जी को, उसको लेकर क्या मुझे कहेंगे? मुझे लग रहा है कि इन लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है। जो लोग कहते थे ये भारतीय जनता का पार्टी, रामलला हम आएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, अब तारीख भी बता दी तो अब इनको परेशानी है। कौन करेगा उद्घाटन? तुम कौन होते हो बताने वाले? ये तो हमारे संत समाज, हमारी राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ट्रस्टी तय करेंगे ना, तुम थोड़ी होते हो। वो लोग जो सबूत मांगते थे, वहां रामलला है नहीं है। राम सेतु का सबूत मांगने वाले तो रामलला के मंदिर के पर क्वेश्चन करने का कड़ा करने का अधिकार ही नहीं है। अब परेशान है कि राम मंदिर कैसे बन रहा है। जिन लोग कहते थे राम मंदिर बनेगा तो बहुत खून की दरिया नदियां बहेंगी, वो लोग जो कारचक्कों पर गोलियां बरसाने वाले लोग, उन पर हम विश्वास कैसे करें? विपक्ष एकजुट हो चुका है और बड़े अरे होने अलायंस की दीजिए घोषणा ना। की है, उसमें जो है कांग्रेस और समाजवादी में फूट पड़ गई, उसको लेकर क्या कहना अभी चाहेंगे? 24 आने दीजिए, 24 में अभी कितने दल टूटेंगे पता चल जाएगा। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदुओं पर वार करते हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? लगातार ये विवादित हिंदू बयान। हिंदू सनातन धर्म कोई कपूर की पुड़िया नहीं है कि किसी के कहने पर उड़ जाएगा। सनातन धर्म का मतलब जो सत्य है, सदा है, सनातन है, उसी का नाम सनातन धर्म है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्या कहेंगे बीजेपी की किस तरह की तैयारी है? मोदी जी सरकार बनाएंगे, दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे और पूरी तैयारी है। चलिए धन्यवाद। तो ये कि सांसद निरंजन ज्योति के साथ मौजूद थी, साफ तौर पर इनका कहना है कि लोकसभा में आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। जनतंत्र टीवी के लिए गाजियाबाद से सुनील गौतम, थैंक यू।